नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। राजधानी के अनियंत्रित ट्रैफिक की एक बड़ी वजह लोकल ट्रांसपोर्ट की अराजकता है। दून की सड़कों पर सिटी बस, विक्रम मैजिक ऑटो और ई रिक्शा बेतहाशा व बेलगाम दौड़ रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पिछले 10 साल में परिवहन महकमा इन्हें नियंत्रित नहीं कर पाया। अब नई पहल हुई है। परिवहन विभाग ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट संचालन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाकर महानगर को 3 कॉरिडोर में बांट दिया है। नेताओं की सरपरस्ती ने आरके गोला को महाठग बना दिया। आरके गोला मामूली बीमा एजेंट से चिटफंड कंपनी कारोबार का सिरमौर बन गया। निवेशकों ने मुकदमे भी कराए, पर नेताओं की गिरफ्तारी नहीं होने दी। ठग आरके गोला की भाजपा के नेताओं और मंत्रियों तक अच्छी पकड़ थी। सूबे में सरकार किसी की भी रही हो, उसका जलवा हमेशा रहेगा। राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद किया। मेलबर्न में हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन में डॉक्टर पूनिया ने कहा कि दुनिया के हर हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवंशियों का गौरव बढ़ाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को LNJP अस्पताल में भर्ती दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से मुलाकात की, जिसके बाद ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपने पूर्व मंत्री के बारे में लिखा है, आज मैं एक बहादुर शख्स से मिला जो आज के दौर का हीरो है। बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार रविवार सुबह पहले अल्मोड़ा स्थित प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंचे और उसके बाद बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे। भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर बद्री विशाल के द्वार पर मत्था टेकने के साथ ही उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। उनके आने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान उनकी एक झलक पाने को स्थानीय लोगों की भी खासी भीड़ जुटी रही। सोशल मीडिया में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य का एक बयान सुर्खियों में है। योगेश ने शनिवार को भरवारी में आयोजित नव निर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष कविता सरोज के शपथ ग्रहण समारोह में मंच से विवादित बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अब आजम खान की भैंस नहीं खोजती, बल्कि अतीक को गोली मारने का काम करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए संसद भवन के उद्घाटन की पूरे देशवासियों को बधाई दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई संसद नए भारत की आशाओं, अपेक्षाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति का प्रतीक है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नए भारत की आशाओं, अपेक्षाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति का प्रतीक वैभवशाली, गौरवशाली व प्रेरणादायी नए संसद भवन को आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। दवाओं की सरकारी खरीद में MSME सेक्टर से जुड़े दवा निर्माताओं को कोई राहत नहीं मिली। सरकारी दवा खरीद में केवल वही दवा निर्माता हिस्सा ले सकेंगे जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से 20 करोड़ रुपए होगा। वही खाने वाली दवाओं में यह सीमा 20 करोड़ रुपए है और बाहर लगाने वाली दवाओं के लिए यह सीमा 5 करोड़ रुपए है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस सप्ताह के तहत रविवार सुबह पाली जिले में चिकित्सा विभाग की ओर से साइकिल रैली निकालकर जिंदगी चुनो तंबाकू नहीं का संदेश दिया गया। रैली को ADM जबर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान हर उम्र के लोगों ने तंबाकू उत्पादों के दुष्परिणामों की जानकारी दी। इंदौर के एक मंदिर में तोड़फोड़ की घटना हुई है। मूर्ति स्थापना के पहले शनिवार देर रात घटना हुई। यह मंदिर इतवारिया बाजार स्थित नव निर्मित गर्भगृह में तैयार किया जा रहा था। मल्हारगंज क्षेत्र में अनिल डेयरी के सामने यह मंदिर बनाया गया है। मंदिर में खाटू श्याम की प्रतिमा स्थापित किया जाना है। मंदिर से जुड़े कैलाश भाटी ने बताया कि रात को राजा पम्मी और इनके साथियों ने मंदिर में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद वहां भारी संख्या में खाटू श्याम के भक्त जमा हुए। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ।